नारायणपुर जिले में स्थित 16वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ बल के मुख्यालय में संचालित नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण बस्तर फाइटर जिला सुकमा का प्रशिक्षण उपरांत दीक्षांत परेड समारोह आज इकाई परिसर के परेड ग्राउंड में बस्तर आईजी पी सुंदरराज की उपस्थिति में संपन्न हुआ। दीक्षांत परेड समारोह में जिला सुकमा के 236 बस्तर फाइटर नव आरक्षकों ने परेड का निरीक्षण बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने किया, जिसके बाद परेड की सलामी ली। इस दौरान 16वीं वाहिनी के सेनानी जितेंद्र शुक्ला ने नव बस्तर फाइटर आरक्षकों को देश सेवा पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करने की शपथ दिलाई। वहीं बस्तर आईजी ने कहा कि बस्तर फाइटर के स्थानीय युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने बस्तर को नक्सल मुक्त कराने के लिए लालायित है और बहुत जल्द युवा बस्तर फाइटर बस्तर को सुंदर और शांति का प्रतीक बस्तर बनाने की अहम कड़ी साबित होंगे। बस्तर क्षेत्र की शांति सुरक्षा एवं विकास के लिए स्थानीय युवा युवती का खुद को उनका एक योगदान हो, उसी उद्देश्य शासन द्वारा बस्तर फाइटर्स की विशेष बल गठन किए गए थे। बस्तर संभाग के प्रत्येक जिला में 300 के मान से संपूर्ण संभाग में 2100 के पद स्वीकृत की गई, जिसके भर्ती वर्ष 2022 में पूर्ण की गई। तत्पश्चात प्रदेश के 9 विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर्स में इनको प्रशिक्षण दी जा रही थी। विगत 2 दिन से जैसे इनका पासिंग आउट परेड का कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। 15 अप्रैल को जिला बीजापुर की 15वीं बटालियन से उनका ट्रेनिंग के पश्चात पासिंग आउट की गई थी। कल 16 तारीख को जिला जयपुर की जैसे लालबाग परेड ग्राउंड में 3 जिला के लिए पासिंग आउट परेड आयोजित की गई थी। उसी सिलसिला में आज 17 अप्रैल को जिला नारायणपुर की 16वीं वाहिनी परेड ग्राउंड में जिला सुकमा की कुल 236 नवारक्षक बस्तर फाइटर्स का पासिंग आउट परेड संपन्न किए गए थे। इसके पश्चात इनका जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग का एक विशेष प्रशिक्षण दी जाएगा। तत्पश्चात मैदान में तैनात होकर खुद अपने क्षेत्र की शांति सुरक्षा एवं विकास के लिए समर्पित होकर कार्य करेगा। पूर्व में हमारे पास DRG, STF, कोबरा, CRPF, ITBP, BSF एवं अन्य जो सुरक्षा बल तथा स्थानीय बल द्वारा बेहतरीन काम करते हुए बस्तर में काफ़ी उल्लेखनीय जो सफलता अर्जित की गई थी। बस्तर फाइटर्स उनसे साथ मिलने से ताकत और हमारा बढ़ेगा और बहुत जल्दी क्षेत्र में नक्सल समस्या का समाधान करते हुए इलाके में जनता के मनसानुरूप विकास कार्य को हम गति प्रदान कर सकते हैं। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।